सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे वुल्वरीन यानी ह्यूग जैकमैन के बारे में, जिनके कैरेक्टर को लेकर एक बहुत बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है, जिसे सुनकर अब सभी के सभी लोगन फैंस निराश होने वाले हैं। तो क्या है वो सारी की सारी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि आपको भी पता चले असल में वो बैड न्यूज है क्या। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात पता है तो आप इससे बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे कि डिज्नी यहाँ पर एक यंग एक्टर की तलाश कर रहा है ताकि वो वुल्वरीन के रोल में उस एक्टर को ढाल सके। यानी इससे ये बात कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है कि डेफिनेटली ह्यूग जैकमैन वुल्वरीन का रोल करने के लिए रिटर्न नहीं आने वाले। तो अब आपने जितनी भी रूमर सुनी थी पहले कि ह्यूग जैकमैन कहीं ना कहीं अंडर काम कर रहे हैं डिज्नी स्टूडियो के साथ, जिसके बाद एंड गेम फिल्म में हमें उनका कैमियो नजर आएगा, अब वो सारी की सारी बात झूठ होने वाली है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि खुद ह्यूग जैकमैन की फिल्मों की लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसर शॉर्लिन डॉरी ने किया है। और अगर आप शॉर्लिन को नहीं पहचानते हैं तो फिर आप मार्वल के यूनिवर्स को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि शॉर्लिन वही है जिन्होंने अपने अंडर केविन फ्राइगी को पहले काम दिया था। और आज केविन फ्राइगी की पोजीशन क्या है उस बारे में आप सभी को पता है। और ऐसे ही ह्यूग जैकमैन को भी उन्होंने ही ब्रेक दिया था उनके पहले वुल्वरीन के रोल में, जिसके बाद वो एक आइकॉनिक एक्टर हो गए। और यही हाल रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर आयरन मैन को भी लेकर है कि अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर और क्रिस इवान ने अपना रोल छोड़ दिया तो फिर फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का रोल उनसे अच्छा कोई दूसरा एक्टर कर ही नहीं सकता। और यही हाल ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरीन का भी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चीजें बदलती रहती है, क्योंकि जब मुझे और आपको होश भी नहीं था तो उस टाइम पर जेम्स बॉन्ड की सीरीज काफी जोर पकड़ती थी, और उस टाइम पर जेम्स बॉन्ड का आइकॉनिक रोल किया था सेन कॉनेरी ने, जिसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि जेम्स बॉन्ड का रोल दूसरा और कोई एक्टर कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर सेन कॉनेरी के बाद एंट्री हुई जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में रॉजर मोरे की, और आज भी उनका रोल लेजेंड है। और उनके बाद बीच में और भी काफी सारे जेम्स बॉन्ड आए जो लोगों को पसंद नहीं आए, जिसके बाद स्टूडियो ने एक और बड़ी खोज की, जो खोज थी पीएस ब्रॉसमैन की। उसके बाद आज की तारीख में उस जेम्स बॉन्ड का रोल डैनियल क्रेग करते हैं, और नो डाउट वो भी उस रोल में बिल्कुल परफेक्ट है। वेल, तो इससे हमें ये पता चलता है कि चीजें सिर्फ एक ही पर डिपेंड नहीं होती है, अगर उसका टाइम पूरा हो गया है तो फिर उसे हटना ही होता है। और वही चीज ह्यूग जैकमैन के साथ भी हुई है, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज में ह्यूग जैकमैन ने ये कहा था कि कश्ती किनारा छोड़कर निकल चुकी है और अब वो वापस उसी किनारे पर नहीं आने वाली। लेकिन इशारों की बातें ज्यादातर लोगों के समझ नहीं आती, इसलिए अब लोरिन ने काफी अच्छी तरीके से ये बातें एक्सप्लेन की कि क्यों ह्यूग जैकमैन लोगन के रोल में रिटर्न नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने ये चीजें अपनी आंखों से देखी है कि कैसे ह्यूग जैकमैन अपने आप को फिट रखते थे ताकि उनका शेप खराब ना हो और वो फिल्म में बेकार ना लगे। इसके लिए वो सुबह 4 बजे उठकर अपनी नींद को खराब कर अपने फिजिक्स पर ध्यान देते थे, और यही चीजें ह्यूग जैकमैन ने पूरे 16 साल तक की है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी एज हो जाती है और फिर आप कहते हो कि बस मैंने ये चीज काफी लंबी खींच दी और अब मुझे इस टाइम पर आकर रुक जाना चाहिए। यानी अब जो वक्त है ह्यूग जैकमैन का वो बिल्कुल परफेक्ट है उनके रोल को रिटायर करने की, ताकि ये रोल कोई दूसरा और एक्टर भी कर सके और लोगों को वो दूसरा एक्टर भी पसंद आए। यानी जब डिज्नी और फॉक्स की डील पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो फिर हमें डिज्नी के यूनिवर्स में एक नया वुल्वरीन देखने मिलेगा, और इसकी कंफर्मेशन जैसे कि मैंने बताया लोरिन ने खुद की है, क्योंकि उन्हें अंदर की बातें काफी अच्छी तरीके से पता है कि स्टूडियो के अंदर असल में क्या चल रहा है और क्या डील हो रही है, क्योंकि एक हिसाब से वो फॉक्स की प्रोड्यूसर भी है और अब आगे चलकर उन्हें डिज्नी के साथ मिलकर काम करना है। इसलिए ये स्टेटमेंट मुझे लगता है एक हिसाब से सभी के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके लिए काफी बुरा है जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि ह्यूग जैकमैन उन्हें एंड गेम फिल्म के एंड में या फिर बीच में कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफी अच्छी डिटेल मिली होगी ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरीन को लेकर, कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है जब डिज्नी और फॉक्स की डील हो जाएगी तो इस कैरेक्टर को लेकर। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।